नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। कानपुर ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर में श्रमजीवी समाज सेवा एसोसिएशन की कार्यालय में सभी संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ एक बैठक की गई। बैठक के माध्यम से एसोसिएशन उद्देश्यों लक्ष्यों की चर्चा करते हुए समाज में पीड़ित उपेक्षित बेसहारा गरीब अनाथ व्यक्तियों को सहायता हेतु विचार किए गए। इसी कड़ी में एक गरीब मृतक महिला के आश्रित को आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। संस्था कुछ आर्थिक मदद देने के लिए उस मृतक महिला के आवास पर जाकर मृतक महिला के आश्रित परिवार को नगद 5100 रुपये श्रमजीवी समाज सेवा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राम नारायण वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, महामंत्री आजाद सिंह तथा पंकज कुमार गौड़, अशोक कुमार, अजय कश्यप, संजीव कुमार गौड़, अश्विनी कुमार, छोटे लाल पाल, अरुण जाफरी, रोमा यादव, बीरेन चंद्र, करण सिंह, सुनीता कुशवाहा, जुल्फिकार हुसैन, फूलचंद, राम अवतार आदि सदस्य के साथ मिलकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इंडिया टॉप न्यूज से संवाददाता सचिन अग्नोत्री की खास रिपोर्ट। ये जो मदद आपको दी जा रही है श्रमजीवी समाज सेवा एसोसिएशन द्वारा, ये आपको आपकी मदद की, आपकी मदद जो भी की जा रही है। संस्था का नाम है श्रमजीवी समाज सेवा एसोसिएशन। आगे चल के कोई और परिस्थितियां तुम्हारे पास तो भी मदद, तो भी मदद हमको कोई रात हो चाहे दिन हो तात्पर तैनात रहते हैं हर वक्त। हमारे सभी सम्मानित उपस्थित सदस्य पदाधिकारी जो श्रमजीवी समाज सेवा एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि इनकी सोच, इनके अंदर समाज के उन तमाम पिछड़े गरीब वंचितों बेसहारा लोगों की सहायता के लिए जो अच्छे विचार छिपे हुए हैं, उद्गार छिपे हुए हैं कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, उनकी तमन्ना है, उनके अंदर ये निश्चितता छिपी हुई है कि जरूर इस संस्था के माध्यम से ऐसे उन गरीब लोग बेसहारा लोगों की सहायता और मदद करने में सफल होंगे। बस सिद्धांत ये अपनाना है कि समाज का हर सदस्य, हर पदाधिकारी जहाँ भी किसी भी तरह की समस्या हो उसे तुरंत संज्ञान लेंगे, संस्था को अवगत कराएंगे, उसके निदान, उसके समस्या के समाधान के लिए चाहे प्रशासनिक तौर पर अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हमारा मीडिया बंद, सशक्त मीडिया बंद जो आज का बिल्कुल समाज का पहली है, समाज का तीसरा नेत्र है, उसके स्तर से और सबसे पहले दायित्व तो सोसाइटी का भी है, हम सभी का मिल के भी उस समस्या के समाधान पे सोचना है, विचार करना है और उसका समाधान करना है।